जी नमस्कार दोस्तों, मैं चुंदन मनहर मेरे YouTube चैनल चुंदन मनहर में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जो हमारा LED LCD TV रहता है उसमें जो है पैनल को शॉर्ट किरण के माध्यम से रिमूव करने के लिए हमें जो है एक त्रिज्या सर्किट की जो है ज़रूरत होता है, एक ट्रिगरिंग की ज़रूरत होता है। दोस्तों, वहाँ पर वो जो है लगातार जो है आवश्यकता अनुसार जो है आना फाना जो है चलाने का काम चलता है। तो दोस्तों, आज हम जो है उसी जो है त्रिज्या सर्किट के बारे में बात करेंगे कि हमारा जो है त्रिज्या सर्किट जो है कैसे बनता है, उसको हम जो है किस तरह से जो है त्रिज्या सर्किट जो है बना सकते हैं उसको। तो दोस्तों, त्रिज्या सर्किट बनाने के लिए जो है एक 555 IC की ज़रूरत होता है। मैं यहाँ पर जो है एक 555 IC से जो है कैसे त्रिज्या सर्किट बनाना है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो दोस्तों, जो हमारा जो 555 IC है उसके जो है पिन नंबर 4 और जो है पिन नंबर 8 को दोनों को जो है आपस में जो है शॉर्ट कर देना है, और दोनों को आपस में शॉर्ट करने के बाद जो है 5 वोल्ट या तो जो है 12 वोल्ट जो सप्लाई दे देना है। दोस्तों, 5 वोल्ट से लेकर के 12 वोल्ट तक जो है हम जो है उसको जो है सप्लाई दे सकते हैं इसके पिन नंबर 4 और 8 को। और दोस्तों, इसके जो है पिन नंबर 8 और 7 के बीच में 3630 ओम का जो है रजिस्टर जो है लगा देंगे। यहीं जो है पिन नंबर 8 से जो है 3630 ओम के रजिस्टर के माध्यम से जो है पिन नंबर 7 की जो है सप्लाई दे देंगे। और यही दोस्तों पिन नंबर जो 7 है और जो पिन नंबर 6 है, पिन नंबर 7 और 6 के बीच में जो है एक प्रीसेट लगाएंगे। ये दोस्तों, यह प्रीसेट जो हमारा वॉल्यूम कंट्रोल आता है वैसे जो है कंट्रोलर के भी जो है हम प्रयोग कर सकते हैं। यह प्रीसेट जो है फ्रीक्वेंसी को जो है कंट्रोल करने के लिए जो है कंट्रोलर का जो है उपयोग करते हैं। दोस्तों, यह कंट्रोलर जो है पिन नंबर जो है 6 और 7 के बीच में जो है चलेंगे, और इस तरह पिन नंबर 6 और 2 को आपस में जो है सॉल्व कर देंगे। और सॉल्व करने के बाद जो है यहाँ पर दोस्तों 100 MFD का जो है कैपेसिटर लगा देंगे। 100 MFD का जो है परस वाला जो है लेज पिन नंबर 2 से जुड़ा रहेगा, और जो नेगेटिव लेज रहता है, जो माइनस लेज रहता है, वह जो है नेगेटिव रेंज से जुड़ा रहेगा। दोस्तों, जो इसका पिन नंबर 1 है उसको जो है 12 वोल्ट या 5 वोल्ट से 12 वोल्ट तक जो भी जो सप्लाई दिए हैं उसके जो है नेगेटिव लाइन से जो है जोड़ना है। नेगेटिव सप्लाई जो है इसके पिन नंबर 1 पर देना है। और इसका जो पिन नंबर 5 है दोस्तों, जो इसका पिन नंबर 5 है, उस पिन नंबर 5 को जो है हमें NC0 कनेक्ट है, इसको जो है हम जो है कनेक्शन नहीं करेंगे। यदि आप चाहो तो इस पर जो है 104 का जो है PF भी लगा सकते हैं। और दोस्तों, इसका जो पिन नंबर 3 है, वह जो पिन नंबर 3 से जो है फ्रीक्वेंसी आउट होता है। यहाँ पर जो है पिन नंबर 3 और जो है सप्लाई मतलब पिन नंबर 4 और 3 के बीच में जो है 104 का एक जो है PF लगा देते हैं दोस्तों। और यहीं से जो है इसको जैसे ही सप्लाई मिलता है और जो है जैसे ही जो है ग्राउंड मिलता है पिन नंबर 1 को, जो है जैसे नेगेटिव सप्लाई और पिन नंबर 4 और 8 को जैसे ही जो है पिन नंबर 4 और 8 को जैसे ही पॉजिटिव सप्लाई मिलता है, तब इससे जो है पिन नंबर 3 से जो है एक फ्रीक्वेंसी आउट होता है। यह फ्रीक्वेंसी दोस्तों आन ऑफ होता रहता है। यह फ्रीक्वेंसी जो है आन ऑफ जो है होता रहता है। तो दोस्तों, जब यह फ्रीक्वेंसी जब यह 555 IC से जो है निकलता है, तो इस फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए यह प्रीसेट जो है दिया हुआ है। यह जो है कंट्रोलर से हम जितना ज़्यादा चाहे या जितना चम चाहे उतना हम जो है इस आउटपुट फ्रीक्वेंसी को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी को आप इधर आप देख सकते हो। 10 रजिस्टर के माध्यम से हम जो है एक NPN ट्रांजिस्टर जिसके नंबर है BC547 इसके जो है बेस पर देते हैं। तो दोस्तों, यही आउटपुट जो फ्रीक्वेंसी है पिन नंबर जो है 3 है, पिन नंबर 3 से जो है आने वाला जो है फ्रीक्वेंसी को 10 रजिस्टर के माध्यम से जो है NPN ट्रांजिस्टर के बेस पर देते हैं। जैसे इसके बेस पर जो है फ्रीक्वेंसी हो आता है, जैसे इसके बेस पर आन ऑफ फ्रीक्वेंसी आता है, तब यह जो है स्विचिंग करना आन ऑफ करना जो है स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, यह लीरे है दोस्तों। लीरे में जो है एक क्वार ए सिरा जो है जिधर 2 लेज रहता है उधर जो है 4 रहता है, और ए सेट में जो है 3 लेज रहता है। दोस्तों, जिसका जो बीच वाला सिरा रहता है जिस साइड में 3 लेज रहता है लीरे का, उसका जो बीच वाला सिरा रहता है इसमें जो है सप्लाई देते हैं दोस्तों, जितना कि हमें जो है आउट कराना है। मान लेते हैं हमारे जो है LED TV के पैनल शॉर्ट किरा रिमूव के लिए हमें जो है यहाँ पर जो है 40 से जो है दोस्तों 80 वोल्ट के लगभग हमें जो जो भी वो चलाना है। तो दोस्तों, हमें जो है वह जो है सप्लाई यहाँ पर देना है। ये यहाँ पर हम कोई भी सप्लाई दे सकते हैं, यहाँ पर 200 वोल्ट AC भी दे सकते हैं दोस्तों। और एक सिरा जो है NC रहता है नाच चने तेज, और दूसरा सिरा बस जो है हमें आउट चलाना रहता है। तो दोस्तों, यह क्वार है, और यहाँ पर जो है बेस पर आने वाला जो फ्रीक्वेंसी है आन ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसके ज़्यादा से जो है इस तरह तो एमीटर आपस में जो शॉर्ट होता है या जो है
स्विचिंग चलना जो है काम करता है। तो दोस्तों जैसे यह जो है स्विचिंग चलता है तब यह जो है नेगेटिव रेंज से जुड़ा हुआ है, इसका एमिटर नेगेटिव रेंज से जुड़ा हुआ है और इसका जो है चलता चलता तो एमिटर आपस में शॉर्ट हो जाता है, तो यहाँ पर नेगेटिव वोल्ट हो जाता है और इधर से जो है आने वाला यहाँ पर जो है लीरे पर आने वाला जो है पॉजिटिव वोल्ट हो जाता है। तो दोस्तों यह जो है एक वायर है, लीरे में यहाँ पर जो है एक वायर दिया हुआ है, तब इधर जो है पॉजिटिव और इधर जो है नेगेटिव होता है, तब दोस्तों इसमें जो है एक चुंबक जो है उत्पन्न होता है जिसके चारा से इस तरह जो है ये बीच में जो भी वोल्टेज देते हैं वह जो है ये इस बीच वाला जो है हिस्सा इसके साथ जो है चनित हो जाता है। दोस्तों इसके साथ जो है यह चनित हो जाता है और जैसे यहाँ पर जो है यह जैसे आपस में हटता है तब यह जो है इसके साथ चनित हो जाता है और जैसे हटता है तब यह इसके साथ चनित हो जाता है। दोस्तों जैसे ही हटा तब यह एनसी और जैसे ही सता तब यह जो है लोड के साथ जो है चनित हो जाता है। यह तो दोस्तों हमारा जो यह सर्किट है वह इसी तरह से जो है काम चलता है। दोस्तों मेरे नेक्स्ट वीडियो में इसको जो है प्रतिक्रिया जो है बना करके बताऊंगा, मैं आपको बस आज थ्योरीचर ही बताया हूं। तो दोस्तों मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है प्रतिक्रिया बना करके बताऊंगा कि कैसे जो है एक यह सर्किट बनाया जाता है, वह कैसे वॉल्ट चलता है और उसे जो है पैनल में जो शॉर्टिंग रहता है उसको जो है कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों तो थैंक यू दोस्तों।